ट्रेन में वोडका पीनी चाहिए एज पर गवर्नमेंट रूल्स। ये है यहाँ का पूल व्यू जिस होटल में ना ये मैम साहब हूँ। फाइनली गाइज ये है पुरी का स्टेशन जो पहुँचा है और हमें लगे हैं टोटल 36 घंटे। तो गाइज हमें मिल गई है बग्गी यहाँ पे भी। ये बड़ी बढ़िया चीज़ कर दी है गवर्नमेंट ने, इंडियन रेलवेज ने, कि आपको बग्गी मिल जाती है ऑन द प्लेटफॉर्म, आपको ये पूरे बाहर तक छोड़ के आएगी। तो अभी हम यहाँ बैठेंगे। दिल्ली में हम ले रहे 250 रुपये फॉर 2 मिनट्स, यहाँ ले रहे हैं 30 रुपीज़ पर पर्सन एक्सक्लूडिंग किड्स। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, तो इसमें बैठते हैं और ये बिल्कुल बाहर तक छोड़ के आएंगे। तो गाइज हम बैठ चुके हैं बग्गी के ऊपर और निकल चुके हैं पूरी स्टेशन से, प्लेटफॉर्म से निकल चुके हैं और पहुँचेंगे हम बाहर और वहाँ करेंगे अपना कोई मैक्सी कैब और पहुँचेंगे होटल में। या मैक्सी कैब मिलती है ना भैया? है ना, मिलती है ना? तो भैया कह रहे मैक्सी कैब मिलेगी, उस पर आराम से मैजिक मिलती है, मैजिक मैजिक मिलता है। हाँ मैजिक मिलता है, उस पर बैठ के हम मैजिकली पहुँच जाएंगे अपने होटल के अंदर। मज़ा आ रहा है भाई, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, अभी देखो हवा थोड़ी ठीक लग रही है, लेकिन देखो हवा अच्छी है। ये भैया पुरी का स्टेशन और सारा प्लेटफॉर्म जो है ना यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। देखो पटरी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन हमारी पटरी में गाड़ी चले जा रही है, बाहर तक हम जाएंगे और यही मज़ा है 30 रुपये का। सो गाइस फाइनली रूम पहुँच चुके हैं, आपको कराते हैं रूम का टूर। और एंट्रेंस के बाद आपको दिखता है ये इसका हो गया ड्राॅइंग रूम, डाइनिंग बोल दो कुछ भी बोल दो। और पूल दिखाता हूँ आपको यहाँ से कि कितना बढ़िया पूल दिखता है। ये देखो पूल दिख रहा है ना, पूल यहाँ पे है। एक बेडरूम जो कि है ये, ठीक है। और ये हो गया वॉशरूम। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो ये है एक और बेडरूम और ये है एक और वॉशरूम, ठीक है। और यहाँ से जो पूल व्यू आता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है, आपको मैं दिखाता हूँ पूल। तो ये है यहाँ का पूल व्यू और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा है इस टाइम पे, आवश्यक कम आ रही होगी, बट इस सच अ नाइस पूल। भाई लोग ये है हमारा होटल जिसका नाम है सागर तरंग और ये काफ़ी यहाँ पे पुराना होटल है और बहुत रूम्स है इसके अंदर, ये बहुत लंबा फैला हुआ है होटल। और इसमें बीच व्यू भी है इसके अंदर, बाकी व्यूज़ जो होते हैं पूल व्यू भी है। तो ठीक ठाक सा होटल है, हमें इशूज़ आ रहे हैं रूम में बिकॉज ऑफ AC, तो ये रूम चेंज कर रहे हैं, आई होप कर देंगे थोड़ी देर में। तो बस अब निकलते हैं बीच के लिए, बीच जाना है और वहाँ पे कुछ खाते पीते हैं। इन द मीन टाइम हम गाड़ी बुक करा रहे हैं फॉर टुमारो बिकॉज हमें जाना है भुवनेश्वर, वहाँ पर हमें कुछ विजिट्स करनी है चीज़ें, तो देखते हैं क्या होता है। स्पेशली नॉनवेज वालों को ये जगह बहुत ही पसंद है कि गोल्डन बीच, यहाँ पे आप आओ और फ्रेश बनवा के हर चीज़ खाओ। और भी बनाया है आर्टिस्ट ने सैंड के द्वारा, व्हाट अ यूनिक स्ट्रक्चर एंड पीस। सो गाइस ये है गोल्डन बीच ऑफ पुरी और रात के बज रहे हैं 8:30 या 9 बज रहे होंगे और यहाँ पे आप भीड़ देखो, इतनी ज़्यादा भीड़ है ऑफ लोकल्स एंड टूरिस्ट। और यहाँ पे रोज़ रात को ऐसे ही होता है, कैमल राइड्स, हॉर्स राइड्स, आप बीच पे जा सकते हो अपने रिस्क पे, खा सकते हो। यहाँ पे बहुत अच्छा बेस्ट नॉनवेज मिलता है, फ्रेश फिश मिलेगी आपको, उसको आप तल के खा लो। हम तो नहीं खाते अब, लेकिन ऑप्शंस बहुत सारे यहाँ पे हैं। तो जैसे ये ऊँट है तो उसकी आप राइड कर सकते हो। बहुत ज़्यादा उमस है बिकॉज समुंदर है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बट हवा ठीक चल रही है। ओवरऑल एक अच्छा नज़ारा है ये और एक पहली बार आया हूँ यहाँ पे तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, अलग लग रहा है बाकी जगहों से। यहाँ पे हमें इतनी ज़्यादा उमस और गर्मी लगी कि हम आधे घंटे के अंदर ही इस बीच को अलविदा कह के निकल आए और चले गए अपने होटल की तरफ। 5-10 मिनट में होश होता, उसके बाद मैं तो बेहोश हो गया। मेरा गया बहुत निशा होता है, लेकिन कल का निशा हुआ ना इसीलिए कल ट्रेन हिल रहा था, है ना, शराब में मैं आपने मिक्स कर दिया वोडका एंड बिस्की। मैं तो बेहोश हो गया था, वो जो बगल वाला है मेरे को यूं समझ आ रहा कि वो मेरे को साथ सो रहा था, मैं उसके ऊपर सो रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। सीधा सुबह 5:30 बजे नींद खुली, सर में हो रहा था दर्द, लेकिन कुछ
कल हमारे में क्या हुआ है, कल हमने पी है कोक के अंदर, वो भी हो गया कोक और फिर अपना मिक्स भी हो गई। हाँ रात अच्छी कट गई भाई, तभी मैं सो पाया हूँ जमीन पे। हाँ नहीं होता, बट वो बदबू की बात थी ना, वो नशे में बदबू खाती लोगों को। अरे नहीं नहीं वो तो हमारे लिए थी, बिकॉज ट्रेन में वोडका जो पीनी चाहिए एज पर गवर्नमेंट रूल्स। That was a lemon vodka. गुजरात में गए थे ना द्वारकाधीश में सोमनाथ। हाँ तो हमने रात को वोडका ही पी थी, रात को पीने से पीना है। अब हमने लाए आधी बोतल, अब आधी बोतल खत्म हो गई तो उसके अंदर समझ ही नहीं आया कैसे लगा। आपने क्या पैक बनाया था, लेकिन पहले पैक में आ गया था, पहले पैक में। हाँ पहले पैक में जरूर आ गया था। हाँ भैया जिस होटल में ना ये मेम साहब हों ऐसे, उसके लिए क्या रिव्यू होगा बताओ। ये देखो भाई डिनर चालू है हमारा, और आज मैं खाऊंगा दाल के साथ फ्राइड राइस और चाउमीन। ये भाई बेस्ट कॉम्बिनेशन है भाई, दाल एंड चाउमीन। गाइस आ चुकी हमारी बहुत सारी आइसक्रीम, बिकॉज हमें शुगर की आदत है, जितना शुगर खाओगे ना उतना बढ़िया रहता है लाइफ में। अब जो है भाई खा लो। चलो गाइस डे वन खत्म, और मिलते हैं आपको कल जो हम जा रहे हैं जगन्नाथ मंदिर। कल सुबह 6 o'clock निकलना है, कल की बात कल से, फिलहाल सोते हैं और स्टार्ट करते हैं और दिन कल। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग के लिए।